सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप जीत कर ही लौटे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार वर्ल्ड कप 2019 के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने भी अपना आगाज कर लिया है, लेकिन यह आगाज एक हार के साथ हुआ। आपको बता दें कि 25 मई को न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेले गए अपने पहले अभ्यास मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम 6 विकेट के बड़े अंतर से हार चुकी है। यह हार कहीं न कहीं भारतीय टीम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। भारतीय टीम जो इस समय विश्व कप की सबसे मजबूत टीम मानी जानी है, अगर वही टीम अपनी खराब बल्लेबाजी के बलबूते पर 6 विकेट के बड़े अंतर से हार जाए तो काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम इस मुकाबले में नहीं थी। सबसे पहले कप्तान विराट कोहली का कठिन फैसला लेना कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि कोहली अच्छे से जानते हैं कि भारतीय टीम का पहले बल्लेबाजी करने में रिकॉर्ड खास तौर पर इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर अच्छा नहीं। इसका नतीजा बुरी तरीके से खराब रहा और पूरी की पूरी भारतीय क्रिकेट टीम रविंद्र जडेजा की शानदार पारी के बावजूद 169 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई। इसके बाद खडीली फील्डिंग और खराब गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम लक्ष्य को डिफेंड न कर सकी और अपने पहले अभ्यास मैच में हार गई। खैर पहला अभ्यास मैच तो हो चुका है, लेकिन अब सबकी नजरें दूसरे अभ्यास मैच पर टिकी है, जो कि 27 तारीख को बांग्लादेश की टीम के खिलाफ खेला जाना। और भारतीय टीम को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना भी होगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो सीधा भारतीय क्रिकेट टीम 5 जून को साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप का अपना पहला मुकाबला खेलती हुई दिखेगी। और बांग्लादेश की टीम के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए सबको काफी उम्मीदें भी हैं। यकीनन भारतीय टीम को अपनी गलतियों पर काम करना होगा, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी, खराब फील्डिंग से लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन तक। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम की हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीम की बल्लेबाजी व ऑलराउंड प्रदर्शन खराब हुआ था एक खिलाड़ी के टीम में न होने की वजह से, और वह विजय शंकर पहले मुकाबले से पहले ही चोटिल हो चुके थे और वह पहला मुकाबला नहीं खेल पाए। लेकिन अब ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही है कि विजय शंकर पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस दूसरे अभ्यास मैच में वह भारतीय टीम का हिस्सा भी बनेंगे। दोस्तों विजय शंकर का टीम में होना इतना ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल केएल राहुल व दिनेश कार्तिक की फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। भले ही दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक ऑलराउंडर की भारतीय टीम को सख्त जरूरत है। विजय शंकर के टीम में आने से न सिर्फ भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अतिरिक्त बल्लेबाज जुड़ जाएगा, बल्कि गेंदबाजी भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में यह बात तो तय हो जाती है कि विजय शंकर अगर दूसरे अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के चांसेस तो 90% तय हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक और खबर सामने आ रही है कि भारतीय टीम के चयनकर्ता टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी ला सकते हैं। यह फैसला केवल दूसरे अभ्यास मुकाबले के देखकर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले अभ्यास मुकाबले में ही भारतीय टीम की कमजोर बल्लेबाजी के बारे में सबको पता चल चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के मौजूद न होने की वजह से पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम कुछ इसी तरीके से डगमगाता रहा है। लेकिन आप वर्ल्ड कप में कोई भी चूक नहीं कर सकते, तो ऐसे में शायद युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी आपको आगे खेलते हुए दिखे। फिलहाल दोस्तों चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि विजय शंकर के टीम में आने से क्या हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व शिखर धवन। इसी के साथ अब टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल व विजय शंकर। इसी के साथ टीम में 2 ऑलराउंडर व खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे हार्दिक पांड्या व रविंद्र जडेजा। इस बार टीम में एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर हो सकते हैं कुलदीप यादव, तो वहीं 2 तेज गेंदबाज के रूप में रहेंगे जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों भारतीय टीम तो हमेशा ही काफी ज्यादा मजबूत लगती है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से यह दूसरे अभ्यास मुकाबले में बाजी मारेगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर बांग्लादेश? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरीके की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।